ऋषि को लगा चोट और फाइनली लक्ष्मी ने किया है ऋषि की पट्टी। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग दिखने को मिलेगा भाग्य लक्ष्मी का, और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट भरा भी दिखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के लिए देखने को मिलेगा कि फाइनली ऋषि को लग चुकी है चोट और फाइनली लक्ष्मी ने किया है ऋषि की पट्टी। जी हाँ, वेल हुआ, यानी कि आने वाले एपिसोड के लिए देखने को मिलेगा कि फाइनली आपको पता होगा कि जो ऋषि होता है बहुत ही ज़्यादा खुन्नक में होता है और वो सामान को इधर से उधर फेंकने लग जाता है, और वहीं तो जब वो फेंक रहा होता है तो उसके हाथों में चोट लग जाती है। जी हाँ, और ये बात आयुष को पता होता है और वो किसी को भी पता नहीं होता है। तो फाइनली जो ऋषि होता है वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद फाइनली अपने हाथ को धोता है। अपने हाथ को धोने के बाद फाइनली वो अपने पट्टी वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है खुजते, और वो कर नहीं पाता है। और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिला कि जो लक्ष्मी होती है उसी वॉशरूम में आ जाती है। उसी वॉशरूम में आने के बाद उसको पता नहीं होता कि उस वॉशरूम में ऋषि है, और फाइनली उस वॉशरूम को वो लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद फाइनली अब उसको पता चलता है कि उस वॉशरूम में ऋषि है, और फाइनली उसको पता चल जाता है कि ऋषि को चोट लगा हुआ है। तो वो उसका मल्लम पट्टी यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह करना स्टार्ट कर देती है। जी हाँ, वेल ऋषि मना कर रहा होता है कि तुम्हें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लक्ष्मी होती है वो ज़बरदस्ती ऋषि का पट्टी वगैरह करने लग जाती है। जी हाँ, और ये मोमेंट देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जी हाँ, वेल अब देखना ही होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग दिखने को मिलेगा भाग्य लक्ष्मी का। वेल वैसे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है और भी अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे भाग्य लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और किसी टाइप का क्वेरी वगैरह हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो और पेज को लाइक करना मत भूलना। सो बाय बाय।